तो आए पहले आपको बच्चों से मिलवाते हैं। ये देखें, ये दोनों माशाल्लाह तैयार होके बैठी हुई हैं। तो बस यही है बच्चों की ईद, घर में अपना तैयार शेयर हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग ईद का सेकंड डे और मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बहुत अच्छे हैं। देखा आपने ईद का फर्स्ट डे हमारा, हमने आपको डिटेल से सारा दिखाया। माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी हमारी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, आज हमारा सेकेंड डे है और आपका फर्स्ट डे, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपका पहला दिन कैसे गुजरा। पाकिस्तान में भी बहुत मज़ा आता है ईद का, खासकर बड़ी ईद पे कुर्बानी का बहुत मज़ा आता है। तो हमें भी दुआओं में याद रखें और बताते रहें। माशाल्लाह दोस्त मैसेज करते हैं, बड़ी खुशी होती है। सब सब विश कर रहे हैं, बहुत बहुत दुआओं के साथ लोग मैसेज करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमारा सेकंड डे है, तो देखें आज हम क्या करते हैं। कोई आउटिंग का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन कुछ काम है, आपको बताएंगे साथ। देखें, आपको बताया था कि कल तो हमने गोश्त बनाया भी नहीं था, तो आज इंशाल्लाह गोश्त भी बनाएंगे। क्या बनाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। और अभी तो हमारा गोश्त पड़ा हुआ, जिसकी हमने पहले बोटियाँ करनी है, तो हम वो भी शुरू करते हैं। तो आए पहले आपको बच्चों से मिलवाते हैं। ये देखें, ये दोनों माशाल्लाह तैयार होके बैठी हुई हैं। तो बस यही है बच्चों की ईद, घर में अपना तैयार शेयर हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग ईद का सेकंड डे और मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। तो माशाल्लाह कपड़े शपड़े चेंज किए और घर में हम एंजॉय कर रहे हैं आज भी। जी व्यूअर्स, तो आए अभी जब काम करना है गोश्त का, तो फिर चेंज करेंगे, कसाई बनेंगे, फिर गोश्त करेंगे। तो आएँ आपको दिखाते हैं गोश्त करते हुए, और फिर बताते हैं कि किचन में क्या बन रहा है, आज क्या बनेगा। तो हमारे साथ रहें और वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपको आगे भी मज़ीद वीडियोस दिखाते रहेंगे। अभी ईद के बाद और भी बहुत सी स्पेशल स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं दोस्तों, तो लाजमी वीडियोस देखते रहें, लाइक करें वीडियोस को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और आएं चलें, चलते हैं फिर चेंज करके, तो कब बकरे का काम शुरू करें। और देखें व्यूअर्स, फिर इधर शुरू करने लगे अब गोश्त बनाना। जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप, गोश्त में बिजी हूँ गोश्त करने में। तो इसी तरह बड़ा मज़ा आ रहा है ईद का, ईद ऐसे ही गुजर गई है बस बकरे के साथ। इतना मुश्किल काम नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पे वैसे पहली बार ही कर रहा हूँ इस साल, लेकिन यह इतना मुश्किल काम नहीं है, मज़ेदार काम है वैसे। हम लोग तुर्की में बैठ के भी जो है ना पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर आप लोगों के साथ ईद मना रहे होंगे, आप लोग भी आए हमारे साथ मिलकर यहाँ ईद मनाएंगे। वैसे मेरा कसाईयों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ आके तुर्की में हर तरह का तजर्बा हो गया। आप लोग भी आए, करें, देखें, सीखें, जिंदगी में बंदे को सब काम करने चाहिए। जी व्यूअर्स, तो देख रहे हैं आप, हमारी ईद इसी तरह बस गुजर गई। 2 दिन, आज दूसरा दिन था, आज भी हमने गोश्त बनाने में हमने टाइम गुजार दिया। तो यहाँ ऐसे ही बंदा एंजॉय कर लेता है। मैंने आपको बताया कि कल जो है ना, वो हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए कल हम ये सारा काम नहीं कर सके। हमने फिर गोश्त रख दिया फ्रिज में, तो हमने कहा चलो आज अब सेकेंड डे कर लेंगे। कल हमने खाली कलेजी के टुकड़े बना लिए थे। तो व्यूअर्स ये देखिए, मैंने गोश्त बनाया है, मुझे बताइएगा कैसा लगा, कैसा काम किया मैंने।
एक बार पगड़ा पूरा बना लूंगा तो इंशाल्लाह परफेक्ट भाई बन जाऊंगा। व्यूअर्स ये देखें, ये एक कसाई बैठे हुए बहुत लोगों के कमेंट्स करके लोग पूछ रहे थे कि हमें ये पता चले कि तुर्की में कैसे कुर्बानी होती है। तो ये है भाई सबके लिए कि कुर्बानी ऐसी होती है, खुद इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी आपको ये सारे काम नहीं करके देता। तो इसीलिए हमने आपके साथ पूरे अपने 2 दिन शेयर किए, हमने कहा आपको हर चीज बता सके, बल्कि आपने देखा है 2 दिन से मैं इसी तरह गोश के साथ ही गंदे मंदे कपड़ों के साथ लगा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको हर चीज़ का बताते रहेंगे और उम्मीद है आपने हमारी कुर्बानी को भी इंजॉय किया होगा। अभी इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहें, सेकंड डे भी आपको बाकी सारा बताएंगे कि हमने क्या किया। तो ईद घर में गुजर गई है, हम कहीं पे भी नहीं गए क्योंकि कोई होती नहीं, फैमिलीज वगैरह इतनी है नहीं यहाँ पे, तो इतना मिलना मिलाना तो कोई नहीं है। तो गर्मी का मौसम है, हमने कहा चलो घर पे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारने का। बाकी आप लोगों के मैसेजेस वगैरह आते रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स आज का दिन बहुत बिजी गुजरा है, ठीक है। आज हमने जो है ना वो जैसा कि उन्होंने बताया कि गोश्त वगैरह बनाने में बिज़ी रहे हैं, उसके बाद फिर सारा मेरा काम था, इसलिए आज मेरी तस्वीर नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज़ आई है क्योंकि मैं किचन में बिज़ी थी। और ये अब हमारा जो है ना ये देखें, ये गोश्त हमारा रेडी है, ठीक है। आज हमने बनाया है नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त, ठीक है, और बहुत टेस्टी बना है। और कुर्बानी के गोश्त का जो है ना वो जायका भी बड़ा मज़े का होता है, और माशाल्लाह से हमारे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। तो बाकी आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ एक चीज़, कुर्बानी को, कुर्बानी की ईद को ये लोग कैसे विश करते हैं वो मैंने आपको बताना था। कुर्बान बेराम कुतलू ओलसुन, कैसे कहते हैं? कुर्बान बेराम कुतलू ओलसुन। आप भी करो कुर्बान बेराम कुतलू ओलसुन। हाँ तमाम तमाम ये बोलते हैं ओके को, ठीक है। चलें फिर, ओके, खुदा हाफिज़ जी। व्यूअर्स तो कैसा लगा आज का हमारा दूसरा दिन, आपने देखा ये भी सारा बकरे का गोश्त करने में ही गुजर गया। तो हमारी ईद ऐसे ही थी, पहले दिन कुर्बानी में गुजर गई, दूसरे दिन गोश्त करने में गुजर गई। आपको बताया था कि जो है ना वो एक्चुअली होता यहाँ ये है कि जहाँ से हमने बकरा लिया वहीं पर जाके कुर्बानी होनी थी, जो इनका प्योर तुर्की रूल है ना वो यही है। तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने वहाँ से हमें टाइम दिया हुआ था, कोरोना की वजह से उन्होंने कहा कि हम एक एक बंदे को अलग अलग टाइम देंगे तो सारे इकट्ठे ना आए। तो हमारा जो टाइम था ना वो था 2:30 बजे का, यानी कि 2:30 बजे तक हम जाएंगे तो फिर हमारी बारी 3 बजे के करीब आ जाएगी। तो इस तरह करके हम अपने टाइम पे जब गए तो 2-3 लोग और थे, और आपने वीडियो में देखा सारा कल की के जो है ना वो किस तरह वहाँ कुर्बानियाँ हो रही थी। तो फिर है हमारा बारी आई, हमारी बारी आई तो अपना हमें भी उन्होंने करके दिया, इसी तरह हमको 1.5 घंटा 1.5 घंटा में करके लेके आ गए। घर आए आके हमने कल फिर सिर्फ कलेजी भी करके पीसीस तो वो बनाई थी, तो गोश्त काफ़ी ज़्यादा था और अकेले बनाना जो है ना थकावट बहुत हो गई थी। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था जैसे मैंने आपको बताया था। तो आज हमने फिर जो है ना सेकेंड डे वो गोश्त बनाया, तो आज सारा दिन तकरीबन हमारा गोश्त बनाने में गुजर गया क्योंकि इतना तजर्बा नहीं है, पहली बार यहाँ ये काम कर रहे हैं। तो पिछले साल तो आपको बताया था कि दोस्त काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे, तो उन्होंने जो है ना वो मिल के ऐसे ही करते थे जैसे सबने पाकिस्तान में कैसा ही कर दिया था, हमें कुछ पता भी नहीं चला था कि हमें कुछ खुद करना ही नहीं पड़ा। तो इस बार सारा कुछ जब खुद करना पड़ा है तो वो काफ़ी जो है ना वो हार्ड काम था, और टोपा चलाना भी नहीं आता अभी। तो यार आहिस्ता आहिस्ता इस बार तजर्बा हो गया, अगली बार आप इंशाल्लाह हमारे पास होंगे तो हम सारा कुछ मिल के खुद ही कर लेंगे। तो व्यूअर्स इसी तरह ये देखें
गोश्त माशाल्लाह काफ़ी अच्छा निकल आया। अब इसका कोई हिस्से वगैरह कर देते हैं, जो बांटना है जो मोहल्ले में बांटना है मोहल्ले में बांट लेंगे, आपका हिस्सा हम रख देंगे, आप आ जाएं। और लोग, हाँ जी बहन भाई पूछे थे कि ये बकरा कितने का आया क्या सारा कुछ, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 1100 लीरे का बकरा आया था, और इसके अंदर ही अगर हम वहाँ पे जाके कुर्बानी कराते हैं तो इसके अंदर ही शामिल होता है, उसके एक्स्ट्रा पैसे कोई चार्जेस नहीं लेते वो। तो हमने वहीं पे कुर्बानी करवाई थी और हम अपना गोश्त लेके आ गए थे, तो हमने सिर्फ 1100 लीरा पे किया है और हमने कोई इसके ऊपर जो है ना वो कसाई के चार्जेस वगैरह नहीं पे किए। तो 1100 लीरा ये हो गया। और इसके अलावा पूछे थे इसका वेट, तो व्यूअर्स ये था कोई 35 को किलो के करीब बकरा होगा, और इसमें से मेरे ख्याल से 17-18 किलो गोश्त निकल आया होगा। अच्छा गोश्त निकल आया, रीज़नेबल ठीक। तो व्यूअर्स इसी तरह बताइएगा आप ज़रूर कमेंट करके कि ईद के दोनों दिन आपको कैसे लगे, और दोनों दिन इसी तरह सारे हमने आपके साथ गुजार दिए, आपको हर तरह से ईद दिखा सकें, हमने कैसे ईद मनाई, क्या क्या किया ईद पे। तो यहाँ कोई हमारे रिलेटिव तो है नहीं जहाँ हमने जाना था, हमने दोनों दिन घर रहे और अपना बकरे के साथ ही बस बकरे का काम शाम करते रहे और हमने ईद गुजारी। तो कल से अपना फिर नॉर्मल लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, बस इतनी है, दो दिन ईद काफ़ी है, और क्या करना हमने यहाँ पर। तो इंशाल्लाह बाकी मैं आपके लिए आगे वर्किंग अब इंशाल्लाह स्कूल की वीडियो का करूँगा, तो एक दो दिन में मैं वो बना के ज़रूर आपको सबको स्कूल की वीडियो का इंतज़ार है, बच्चों की एजुकेशन का क्या है यहाँ, तो ऐसा ऐसा मैं इंशाल्लाह आपको बाकी सारी डिटेल बताता हूँ। तो अभी तो हम ईद पे ज़्यादा प्रेशर था कि हमें था कि चलो ईद पे जो है ना वो इस बार डिटेल से सारा व्यूज़ को बताया जाए। तो बड़े अच्छा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। माशाल्लाह पहले भी सब बहन भैया ने बहुत कमेंट किए, बहुत लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आप लोगों ने ही मेरे चैनल को ज़्यादा बढ़ाना है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मज़ीद इसको आगे बढ़ाएं और मुझे सब्सक्राइबर बढ़ा के दें। तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए हर इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाता रहूँगा, और इंशाल्लाह आपके साथ हम फुल कोऑपरेशन के साथ आपके साथ रहेंगे, आपकी हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे लिए कोई भी हिम्मत हो तो ज़रूर बताएँ, कोई भी मेरे लाइक काम हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो ज़रूर बताएँ तुर्की के बारे में, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।